वहीं उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर कहा कि सभी सीटों पर भाजपा जीतेगी। उन्होंने कहा कि संगठन की दृष्टि से हमारी पूरी तैयारी चुनाव को लेकर है। यूपी में भाजपा की सदस्यता अभियान के दौरान भी हम लोगों ने इन 10 विधानसभा सीटों पर ध्यान केंद्रित किया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हताश और निराशा में है। दोनों पार्टी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास कर रहे हैं कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव न हो। मैं समाजवादी पार्टी से आग्रह करता हूं कि वह चुनाव आयोग से मांग करे कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएं। जहां तक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बात है, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में अपनी हार मान चुकी है और यह लोग विकास के विरोधी हैं। उत्तर प्रदेश में विकास न हो, अयोध्या का विकास न हो, इनकी मानसिकता यही दर्शाती है। उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के दल साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह स्वार्थी लोग हैं। तो गठबंधन के बाद की स्थिति देश की जनता सब जानती है। ना कांग्रेस ना समाजवादी पार्टी किसी अलायंस के गठबंधन के प्रति ये लोग जवाबदेही इनकी नहीं है और ना ही ईमानदार है उसके प्रति। आपने देखा जितनी भी सरकारें बनी हैं केंद्र में या राज्यों में, उन सरकारों को गिराने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। और जितने भी चुनाव हुए, चुनावों में गठबंधन करने की बात जब चुनाव आते हैं तो जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोग इनकी उपस्थिति पर प्रश्न खड़े ना करें, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए ये सब गठबंधन गठबंधन का प्रलाप अलापते हैं। लेकिन जनता सब जानती है और इनके निजी हितों के लिए गठबंधन है, इन उसके लिए जनता का कोई हित नहीं है, निजी हित के हित हैं। और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के साम्राज्य खड़े करे हैं उनसे बचने के लिए सभी इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश और देश की जनता सब जानती है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद